सो गाइज वेलकम बैक। एंड आज हम आ चुके हैं गोल्डी की आईडी से, और गोल्डी के साथ तो सात वर्ड भी लगाए यहाँ पे। तो गोल्डी के साथ आज हम करने वाले ओनली प्रोन चैलेंज। तो मैं भी हूँ, मेरे भैया ने पहले ही बता दिया था, मैं गोल्डी आ चुका हूँ। तो वो यहाँ पे गाइस बहुत ही खतरनाक वाला चैलेंज होने वाला है। इसमें गोल्डी सिर्फ लेट के मार सकते सामने वाले बंदे को, चाहे खड़े होकर कितना भी डैमेज दे ले गोल्डी तू। ठीक है, पहले बता क्लियर है? मैं एक ही बार खड़े होकर दूंगा, ज्यादा तक मैं लेट के ही दूंगा। हाँ वो भी सही है, पर तेरा ही फायदा होगा अगर तू खड़े होकर देगा तो। क्यों? क्योंकि तू खड़े होकर डैमेज देगा, फिर एक गोली लेट के मार सकता है। ये देख जैसे तूने अभी करा, खड़े होकर डैमेज देगा और लेट के देखो फिनिश करने। और अगर खड़े होके हुआ एक बार माफ है, खाली खाली एक बार। ओ भाई पहले राउंड में पिट गया गोल्डी। अभी आपने मेरा असली गेम प्ले देखा नहीं है। देखते हैं क्या है तेरा असली गेम प्ले। मेरे को तो लगा तू ऐसी बॉट है। अच्छा आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। नहीं नहीं गाइस गोल्डी बहुत प्रो है, बाद में छूटी मेरे को खानी पड़ती है। तो लाइक कर देना वीडियो को। ये देखो ओम के एक फटका नहीं लग रहा है इनसे। वो सच्ची में मार दिया इसने तो। अभी गाइस गोल्डी ने गलत टाइम पे प्रोन कर लिया, वो हाइट पे था और गोल्डी नीचे लेटा हुआ था भाई साहब। अगर अगर मैं 2 सेकंड और लेट रहा था और बाहर निकल जाता हूँ तो भाई मेरी दिक्कत हो जाती। ओ भाई गोल्डी ने मार दिया है यहाँ पे। देखा असली गेम प्ले इसको बोलते हैं। तेरे डबल टैलेंट है, मल्टीटास्किंग वाला, मम्मी की तरह एक तरफ बातें भी कर रहा है और एक तरफ खेल भी रहा है। और ये गाइस एकदम अनडिसाइड, मतलब डिसाइड नहीं हो रखा है, हमें कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखते हैं हाँ क्या होगा आगे। सो यहाँ पे गोल्डी पे है MP40 और M1887। तो देखते हैं यहाँ पे गोल्डी डैमेज खड़े होकर दे रहा है और मेरे को लग रहा है फिनिश लेट के करने वाला है। क्यों गोल्डी यही है ना तेरे इरादे? हाँ, कहीं गलती से हेडशॉट लग जाए। ओ भाई तेरे से तो हेडशॉट गलती से भी क्या, असली में भी नहीं लग सकता। आपको तो वीडियो के बाद इतने छूटी मारूंगा बहुत दर्द रहेगा। तो गाइस देखते हैं गोल्डी की बातें कितनी सच हो रही हैं। वीडियो खत्म होते ही मम्मी के पास भागने वाला हूँ मैं जल्दी से। पर मैं मम्मी के सामने पीटूंगा आप। अच्छा, मम्मी भी ओ भाई क्या रेड नंबर मारा तूने? अरे मैं तो प्रो हूँ। तू प्रो है? आप तो कौन बंदर आके कह के गया था तेरे को कि तू प्रो है? आप मैं बंदर हूँ? आपने गली तो कहा था कि तू बहुत अच्छा खेलता है। हाँ कहा तो था, वो तो मजाक कर रहा था। आए। तो गाइस यहाँ पे 3-1 स्कोर हो चुका है, ये इसकी डिफीट पे डिफीट हो जा रही, तभी भी बातों में लगा हुआ है यहाँ पे। अरे यहाँ पर इनका स्टाइल मल्टी टैलेंट है, अपन का स्टाइल ही मल्टी टैलेंट है। तेरा स्टाइल किसने बोल दिया ये भाई? झूठी तारीफ आपने बोला, आपने वो मैं नहीं बोला था अभी। अभी ये झूठी तारीफ मेरे को बहुत अच्छी करनी आती है वैसे। वीडियो के बाद जो पिटाई भी होगी उसका अलग ही है। अबे भाई ये गई सबसे रिस्की वाला राउंड है, तेरे को लेनी नहीं चाहिए थी ऐसी वीडियो। बताऊं क्यों? क्यों? अगर जो ये लंबे लंबे डैमेज आते हैं ना इसके, अब तेरे को पता क्या उसने मेडकिट मारी सामने वाले ने कि नहीं, और सोच अगर नहीं मारी होगी तो तेरी तो हालत खराब, क्योंकि तेरे को टाइम पे एकदम लेटना पड़ेगा कि कब तेरे को लगे उसकी हेल्थ बहुत लो है। तो मैं सही टाइम पे लेटूंगा, गलत टाइम पे मैं लेटता ही नहीं हूं। अच्छा चल देखते हैं, चल देखते कितना प्रो है तू। ओहो लेट की डैमेज देते हो। ओ भाई गोल्डी ने मार दिया उसे। ओ गोल्डी की सैवेज लाइफ, थग लाइफ हो गई, थग लाइफ। सो गाइस अभी देखते क्या होगा। और यहाँ पे स्कोर हो चुका है 2-3, अभी भी गोल्डी 1 पॉइंट से हार रहा है। पर जीत भी रहा हूँ, जीत भी रहा है। जीत भी रहा हूँ कि ओनली। ओ भाई गोल्डी बच गया भाई, ब्लू होल की ग्लिच चल गया था, वरना तो गोल्डी खत्म था इसी राउंड में। उसकी पहली गलती अभी भी वेस्ट हो जाती, पहली गलती वाली चांस। भाई गोल्डी ने हेड मार दिया था SVD का, वैसे कभी नहीं लगे पर अभी लग जाए। वो तो मैं हुई इतना प्रो, क्या बात, शुक्र बना कि लगा नहीं, वरना लग जाता तो खड़े होके मार देता तुझे। अबे खड़े होके मार दिया, चल अच्छा लग गया तो वो ठीक था। हाँ भाई ठीक था। अब जो गाइस गोल्डी का पॉपर डू चुका, बट एक माफ का बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि एक गलती माफ होगी। यहाँ पे गोल्डी इस सैवेज लाइफ। तो जल्दी से देखते हैं गोल्डी यहाँ पे मनी हाइस्ट पहन के खेलते हुए, और 3-3 स्कोर हो चुका गाइस, बहुत ही डेंजरस चीज है। और गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। गोल्डी पे M10 और UMP है, तो
मेरे ख्याल से काफी अच्छा ऑप्शन है लेने के लिए। बट यहाँ पे देखो गोल्डी यूएमपी का स्प्रे भर देगा और जब वो क्लोज में आएगा गोल्डी लेट के मार देगा M10 से। क्यों गोल्डी अच्छे दिमाग है ना, बहुत अच्छी टेक्निक है यार, बहुत अच्छी। अभी गाइस गोल्डी लॉन्ग रेंज में स्काईलर का फायदा उठा रहा है। अरे वो तो मैं बचपन से करता हूं। खैर गाइस ये बात तो सच है, गोल्डी के पास बहुत पहले से स्काईलर है। बहुत पहले टॉप कर लिया था मैंने, स्काईलर बहुत पहले ले लिया था। तो गाइस यहाँ पे गोल्डी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद हाइट पे और बंदा नीचे है। तो अभी गोल्डी नीचे तो पहुँच चुका है, अभी बंदे क्लोज आएगा तो गोल्डी पेल देगा M10 के स्प्रे से। अगर अब देखो बंदा लॉन्ग में आया तो गोल्डी अब को लेटना पड़ेगा पास जाके। अच्छा गाइस अब गोल्डी दिमाग लगाने लगा, गोल्डी ऊपर रहेगा, पहले डैमेज तो दे दे। अच्छा ऐसे बोलोगे? सो गाइस यहाँ पे गोल्डी तो बंद चुप नहीं हो रहा है उसका मुंह, अभी मम्मी के सामने जाके जाना पड़ेगा। ओ गाइस अब गोल्डी को लेटना पड़ेगा टाइम पे। अब गाइस अगर गोल्डी टाइम पे नहीं लेटा, और गाइस गोल्डी लेट चुका है भाई साहब, गोल्डी ने विक्ट्री करा दी है। देखा था ना टिप्स एंड ट्रिक्स, ये कौन सा शायरी बोल रहे हो? टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस गोल्डी के मजाक में बंद नहीं होने वाले हैं, अभी 4-3 स्कोर हो चुका है भाई साहब, स्क्रीन भी गंदी हैंग मार रही है। तो यहाँ पे गोल्डी पहले जाके लेट चुका है, अब उसे ट्रिक समझ आ चुकी है। ट्रिक नहीं होती यार, मैंने बनाई टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस यहाँ पे गोल्डी का बंदा बहुत क्लोज है, यहाँ का गोल्डी का पोपट भाई साहब, गोल्डी एंट्री क्लोज ही नहीं कर पाया टाइम पे भाई। काश तूने टाइम पे कर दी होती, तू बच्चों की तू फोर कितने से जीत गया होता, 5-3 से ना भाई, तू जीत ही नहीं पाया 5-3 से। चल अभी डबल WM आ चुके हैं गाइस, ये तो गोल्डी एकदम सही चॉइस है। आप भी लॉन्ग गोल्फ में इतना नहीं जीत पा रहे 5-3 से। प्रोन चैलेंज में तो मैं जीत जाता, आप प्रोन चैलेंज उसमें तो ऑरेंज जीत पा रहे 5-2 मतलब 5-4 से जीते। सो गाइस अभी जल्दी से लेटना पड़ेगा गोल्डी को, अभी लेट जा, कब लेटेगा। तो गाइस अभी गोल्डी स्काईलर का फायदा उठाएगा और यहाँ पे 1 सेकंड लेट हो चुका है गोल्डी। और गोल्डी कैसा लग रहा है, तू हारने वाला है? हाँ वो तो देखी जाएगी, वक्त ही बता सकते हो। वक्त सबको बदलता है, लेट जा जल्दी मार उसे, 150 पड़ चुका है गाइस उसे, तभी भी नहीं मर रहा भाई, कैसा बंदा है ये, उसने मेडिकेट मार ली होगी। चलो सही है यहाँ पे, चलो सही है। अभी गोल्डी लेट चुका है गाइस, देखते हैं वो बंदा पीक देगा कि नहीं। और खेल यहाँ पे खत्म हुआ क्या, खत्म हो चुका है गाइस खेल, गोल्डी ने मार दिया 150 से 5-4 से, बुईया करा दिया। कैसा लग रहा है गोल्डी, मजा आ गया? और गाइस जीजे चीख मत, मेरे कान फट रहे हैं ऐसी रात हो रही है। तो गाइस गोल्डी ने बुईया कर दिया, अगर आप चाहते हो मैं भी प्रोन चैलेंज लेके आऊँ तो बताना कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।